दोस्तों कि आपको भी आपके इंस्टाग्राम में जो है वो ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है रिव्यू हु कैन कॉन्टैक्ट यू सो योर अकाउंट वर्क्स दी वे यू वांट। दोस्तों अगर आपको भी आपके इंस्टाग्राम में जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस ऑप्शन का जो है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि दोस्तों अगर आपको ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आप जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वो अपने अकाउंट में जो है वो कुछ सेटिंग को कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर जो है वो क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर पर आता है, मान लो कि दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो आपने करना क्या है, हु कैन रीश्योर योर कॉन्टैक्ट, तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रील्स को जो है वो कोई भी रीमिक्स ना कर पाए, तो आप जो है यहाँ से उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने ये सेटिंग कर ली, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में जो है वो सेकंड नंबर पर सेटिंग आती है कि मान लो कि अगर आपकी पोस्ट को जो है वो कोई भी जो है वो बंदा जो है अपने अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो आप जो है उसको भी अपने हिसाब से जो है यहाँ से सेट कर सकते हो। मान लो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट को जो है वो कोई भी बंदा दूसरा बंदा जो है वो यूज़ ना कर पाए, कोई भी दूसरा बंदा जो है वो अपनी पोस्ट के साथ जो है वो ना जोड़ पाए, तो आप जो है इस ऑप्शन को जो है यहाँ से ऑफ कर सकते हो। मान लो कि दोस्तों आपने ये सेटिंग कर ली, तो आपने डन कर देना है। डन करने के बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पर सेटिंग आती है, आपने जो है ऊपर वाली सेटिंग कर ली, तो आपने नीचे वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो है वो आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप जो है यहाँ से टैग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, टैग वाली सेटिंग जो है वो कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको जो है वो कोई भी बंदा टैग करता रहता है, तो आप जो है यहाँ से नो वन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को जो वही बंदा टैग करे जिसको मैंने फॉलो किया, तो आप जो है वो अपने हिसाब से जो है यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, तो आपने नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आपने ये सेटिंग कर ली, उसके बाद में दूसरे नंबर पर सेटिंग आती है कि अगर आपको कोई भी बंदा जो है वो मेंशन करता रहता है स्टोरी को, तो आप जो है वो नो वन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को वही बंदा जो है वो मेंशन करे जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैंने फॉलो किया है, तो आप जो है वो पीपल यू फॉलो वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आपने ये सेटिंग कर ली, तो आपने नेक्स्ट कर देने। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपने जो है वो फिर आपके पास जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस लेने लगेगा। प्रोसेस लेने के बाद में जो है वो आपको अगली सेटिंग जो है वो शो होने लग जाएगी। जैसे कि आपको ये वाले सेटिंग भी जो है वो देखने को मिल जाएगी कि आप चाहते हो कि जैसे कि आपके रिक्वेस्ट में जो है वो काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं, जिसको आपने फॉलो नहीं किया होता वो भी बंदे जो है वो आपको जो है वो मैसेज करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे रिक्वेस्ट वाले मैसेज में जो है वो कोई भी मैसेज ना आ पाए, तो आप जो है वो नो वन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को जिन्होंने फॉलो किया है वही मेरे को रिक्वेस्ट वाले मैसेज में जो है वो मैसेज कर पाए, तो आप जो है वो योर फॉलोअर्स वाले ऑप्शन पर भी जो है वो क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कोई भी मैसेज कर सके, तो आप एवरीवन भी रहने दे सकते हो। तो जैसे ही आपने ये सेटिंग कर ली, तो आपने नेक्स्ट कर देने। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों फिर जो है वो थर्ड नंबर वाली सेटिंग जो है वो आपने को देखने को मिल जाएगी, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। उसके बाद में आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है वो सेंसिटिव कंटेंट जो है वो देखना चाहते हो, अगर तो आप देखना चाहते हो, अगर आप कुछ कुछ देखना चाहते हो कि आप बीच में जो है वो एक आधी वीडियो आ जाए, ज्यादातर ना आए, तो आप जो है वो स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मैं जो है वो सेंसिटिव कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, तो आप जो है लेस वाले ऑप्शन पर भी जो है वो क्लिक कर सकते हो। दोस्तों सेंसिटिव कंटेंट जो है वो होता है जैसे कि कोई भी मारपीट वाली वीडियो आ गई, या जो है वो किसी को मारता हुआ दिखाई देता है, वो वाली वीडियो आप जो है वो देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, वो इंस्टाग्राम जो है वो आपको पूछ रहा है। जैसे कि आपने ये वाली सेटिंग कर ली, तो आपने जो है वो नेक्स्ट कर देने। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पर सेटिंग आती है कि आप अपने कमेंट को जो है वो हाइड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो आपने जो है यहाँ से जो है वो आप हाइड कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप जो है वो नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप ये सेटिंग कर दोगे, उसके बाद में जो है वो आपको जो है यहाँ पर एक और सेटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी कि आप जो है वो अपनी लाइक को जो है वो हाइड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मान लो कि आपकी रील्स वीडियो पर जो है वो जो लाइक शो होते हैं, आप उसको शो करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइक जो है वो हाइड हो जाए, तो आप जो है यहाँ से इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। उसके बारे में जो है वो आपके लाइक जो है जो भी आपके रील्स के लाइक होंगे वो जो है वो हाइड हो जाएंगे। जैसे ही आप ये सेटिंग कर दोगे, तो आपने डन कर देने। डन करने के बारे में दोस्तों आपकी ये वाली सेटिंग जो है वो सारी सेटिंग जो है वो हो गई है। ऐसे दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन का जो है वो यूज़ करके जो है वो अपने इंस्टाग्राम में जो है वो काफ़ी सारी सेटिंग को जो है वो कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।